आज मैं आपको लेकर आ गया कानपुर के नंबर वन अनिल कीमा मटन वाले के पास। तो कीमा मटन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्याज की यहाँ पे आप अच्छे से कटिंग कर ली जाएगी। कीमा मटन बनाने के लिए बड़ा सा पतीला आ चुका है, सरसों का तेल बड़े से पतीले में अच्छे से डाल दिया गया है। प्याज यहाँ पे डाला जा रहा है, प्याज को अब यहाँ पे अच्छे से भून लिया जाएगा। तो ये आ गई बड़ी इलायची, अब यहाँ पे डाला जा रहा है अदरक। तो मसाला यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे मटन डालेंगे भी। मटन इसमें डाला जाएगा, ग्रेवी में मटन को मिक्स कर दिया गया है, उसको अच्छे से यहाँ पे चलाया जाए। 15-20 मिनट हमने मटन को अच्छे से पका दिया, इसमें दोबारा से मटन डाला जा रहा है और सभी को अच्छे से यहाँ पे चलाया। तो भैया नेक्स्ट क्या डालेंगे इसमें? नल्ली, नल्ली का पीस। तो मटन देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे पक चुका है, ऊपर से अब यहाँ पे कीमा डाला जा रहा है। तो फाइनली मटन अच्छे से पक चुका है, अब इसको यहाँ पे रेडे पे डाला जाएगा और फिर इसको शॉप पे ले जाया जाएगा। इसको यहाँ पे देखो तो रेडे पे डाला जा रहा है, कानपुर का फेमस कीमा मटन यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। फाइनली कीमा मटन जो है शॉप पे आ चुका है, कीमा मटन देखो तो यहाँ पे बाल्टी में पलटा जा रहा है। तो फाइनली कानपुर के फेमस अनिल मीट हाउस का यहाँ पे कीमा मीट यहाँ पे लग चुका है।